بسم الله الرحمن الرحيم حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي सूरह हूद की आयत नंबर 74 से आगे पढ़ेंगे। फरमाया कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम फलम्मा रहबा अन इब्राहीम रौअ फलम्मा रहबा अन इब्राहीम रौअ वजाअतहु अल-बुशरा जुजादिलुना फी कौमी लूत के जब इब्राहीम से वो इस्तेराब या वो खौफ की कैफियत दूर हो गई तो वजाअत खुलबुशरा और दूसरी तरफ उनके पास खुशखबरी भी आ गई। जुजादिलुना वो हमसे बहस करने लगे फी कौमी लूत लूत की कौम के बारे में। और आगे फरमाया कि इन इब्राहीमा लहलीमुन अव्वाहुन मुनीब बेशक इब्राहीम बुर्दबार नर्म दिल और अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले थे। ये गुज़श्ता आयात में तज़किरा था उन फरिश्तों के बारे में कि जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए, हज़रत इसहाक की और हज़रत याकूब की खुशखबरी लेकर कि आपको बेटा इनायत होगा इसहाक और फिर उनसे एक और बेटा याकूब यानी बेटे और पोते की खुशखबरी लेके आए कि दोनों नबी होंगे। हालांकि हज़रत इब्राहीम बूढ़े हो चुके थे, उनकी जौजा सारा भी बूढ़ी हो चुकी थी और वो खुशखबरी लेके आए और हज़रत इब्राहीम ने उनके लिए मेहमान नवाजी की, जैसे कि गुजर चुका बिछड़ा ज़बह किया भुना हुआ बिछड़ा फौरन लेके आ गए और इस तरह से लेकिन फरिश्तों ने जब नहीं खाया और उनके हाथ आगे नहीं बढ़े तो हज़रत इब्राहीम को तशवीश हुई और एक तरह का खौफ महसूस किया। लेकिन फरिश्तों ने कहा कि हम अल्लाह ताला के भेजे हुए फरिश्ते हैं और हम ये कौमी लूत के लिए अज़ाब लेके आए हैं और साथ साथ खुशखबरी भी उनको सुना दी। अब अल्लाह ताला फरमा रहे कि जब ये खुशखबरी उनको सुना दी और ये मालूम हो गया कि ये अल्लाह ताला की तरफ से फरिश्ते हैं और एक ही वक्त में दो काम करने हैं, एक तरफ से रहमत लेके आए हैं हज़रत इब्राहीम के लिए और एक तरफ से अजाब लेके आए हैं कौमे लूत के लिए। तो जो ही उन्हें पता चला कि अल्लाह के फरिश्ते हैं मेरे हबीब और मेरे रब की जानिब से ये के नुमाइंदे हैं तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अब उनसे वो खौफ की कैफियत ख़त्म हो गई, अपनाइयत का एहसास करने लगे और खुशखबरी भी सुन ली। तो उसके बाद हज़रत इब्राहीम जो है कौमी लूत के बारे में सिफारिश करने लगे कि अगर अजाब ना हो। और फिर इसकी इल्लत और इसके सबब को भी बयान किया गया कि हज़रत इब्राहीम क्यों युजादिलना क्यों बहस करने लगे कि इनके ऊपर अजाब को टाल दिया जाए, क्योंकि वो बहुत बुर्दबार थे, बहुत हलीम थे और नर्म खू थे। यानी हज़रत इब्राहीम ये चाहते थे कि कौम लूत से अजाब इलाही टल जाए। और चूँकि हज़रत इब्राहीम को अभी ये मालूम नहीं था कि अल्लाह ताला का यह हतमी फ़ैसला हो चुका है और इसी वजह से एक तरह से सिफारिश करने लगे, शफाअत करने लगे कि अगर इम्कान है इस फैसले में तो नज़रसानी की जाए, इनसे अजाब टाल दिया जाए या इनके लिए थोड़ी सी मोहलत मज़ीद दे दी जाए।
लेकिन चूंकि जब अल्लाह ताला की तरफ से हतमी हुक्म आ चुका था और कौम के जो नबी थे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम उनको मुसलसल उनको अजाब के बारे में बता चुके थे कि अगर तुम इस अपने इस फेल से ना हटे और अपने फेल से से तौबा ना की तो अजाब इलाही आएगा, उनको कहते थे कि कहाँ है अजाब, ले आए अजाब, तो लिहाजा अब उन पर अजाब टलने की कोई सूरत नहीं थी। तो लिहाजा फरमाया कि वो हमसे बहस करने लगा कि जो जादिलना मुजादिला को जो लफ्जी माना है तकरार और बहस करना या झगड़ने के माने में है, लेकिन यहाँ पे मुराद ये नहीं कि उनके बारे में एक तरह से सिफारिश करने लगे और बहस करने लगे, क्योंकि और फिर खुद ही हज़रत इब्राहिम की खसूसियत को सिफत को बयान करते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो बुर्दबार थे, नरम दिल थे और इनाबा रखने वाले थे। ये बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह ताला हज़रत इब्राहिम की खसूसियत और सिफात को बयान कर रहे हैं कि बस कितने ज़्यादा हज़रत इब्राहिम की अजमत है और कितनी बुजुर्गी है और कितना उनका जो रूहानी पहलू कितना बुलंद था कि एक तो ये खलीलुल्लाह हैं और दूसरे एक अल्लाह उनके बारे में ये सिफत बयान कर रहा है कि वह हलीम हैं, वह अव्वाहुन हैं, नरम दिल हैं, वो मुनीब हैं। रब किसी के बारे में ये सिफत बयान करे तो इससे अंदाज़ा होता है कि उनका मकाम, उनकी अजमत कितनी बुलंद है। फिर अगली आयत में इरशाद फरमाया कि या इब्राहिम आरिज अन हाज़ा इन्नहु क़द जा अम्र रब्बे का, हमने जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ कि ए इब्राहिम आरिज एराज करो, छोड़ दो इस बात को, इस मामले को, इन्नहु क़द जा अम्र रब्बे का, बेशक आपके रब का हुक्म आ चुका है, यत्मी फैसला आ चुका है। वइन्नहुम आतीहिम अज़ाबुन गैरु मर्दूद, और उनके पास बेशक उनके पास आने वाला है ऐसा अजाब के जो गैरु मर्दूद यानी जो टालने के काबिल नहीं है, जो टलने वाला नहीं है। तो अब यहाँ हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब बहस की और कौम लूत की सिफारिश करने की कोशिश की कि उनसे अजाब टल जाए, तो अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ और फरिश्तों के ज़रिए से, और फरिश्तों ने जो है वो हज़रत इब्राहिम से अल्लाह ताला का हुक्म फैसला कर सुनाया और फरमाया कि इब्राहिम इस बात को छोड़ दें, इस बारे में बहस आप ना करें, चूँकि अल्लाह ताला की तरफ से हतमी फैसला आ चुका है और अब जो है वो ये कौम जो है काबिल हिदायत नहीं है। अगर काबिल हिदायत होती तो यकीनन हम जो है वो इनको मोहलत देते, ये काबिल हिदायत नहीं है और इनमें कोई खूबी बाकी नहीं रही, लिहाजा अल्लाह का हुक्म आ चुका है और ऐसा अजाब आने वाला है इनके ऊपर कि जो जो है वो टलने वाला नहीं है, लिहाजा इनके ऊपर अजाब आके रहेगा। तो अल्लाह ताला की तरफ से जब हतमी फैसला आ जाता है, हुक्म आ जाता है, तो फिर हत्ता किसी नबी की सिफारिश भी काबिल कबूल नहीं होती। अगरचे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के बहुत मुकर्रब हैं और खलीलुल्लाह थे, लेकिन चूँकि कौम लूत के बारे में हतमी फैसला आ चुका था और जब हतमी फैसला हो जाता है तो फिर उलुल आज़म नबी की दुआ भी कबूल नहीं होती। यहाँ पे अहम नुक्ता मौजूद है, ताज़े चीज़ को तवज्जो रखनी चाहिए कि इंसान जो अपने आमाल की इस्लाह करे और तौबा इस्तग़फ़ार करे और कभी भी इस चीज़ के ऊपर तवक्को न रखे कि आखिरत में हमें रसूल खुदा की आइमा की शफ़ात नसीब हो जाएगी। यकीनन इंशाअल्लाह होगी, लेकिन इसी बुनियाद पे अगर इंसान सुस्ती करे, सालंगारी करे और अपने मामलात को छोड़ी रखे और तौबा और इस्तग़फ़ार ना करे, अपने उमूर की इस्लाह ना करे, तो मुमकिन है अल्लाह ताला जो है उसके बारे में एक फ़ैसला कर दे और उसके बाद फिर उनकी शफ़ात और सिफारिश भी हमारे मामले में काबिल कबूल ना हो, क्योंकि बयान किया गया है कि शफ़ात उसी की काबिल कबूल होगी कि जिसके बारे में खुदा रिजायत देगा और इज़्न देगा।
जब तक कि इज़्ने इलाही नहीं होगा उस वक्त तक इसकी सिफारिश शफात की काबिल कबूल नहीं होगी। फिर अगली आयत में इरशाद फरमाया वलम्मा जाअत रुसुलुना लूतन सीआ बिहिम वदाका बिहिम सरअन वकाला हादा यौमुन असीब। और जब हमारे भेजे हुए यानी फरिश्ते जो वो आए लूत के पास तो वो रंजीदा हुए, एक तरह से रंजीदा हुए, वबा का बिहिम और उनके दिल जो है वो तंग हुआ, दिल तंग हुआ उनके बारे में, जैसे वकाला और उन्होंने कहा और कहने लगे हाजा यौमुन असीब, ये बहुत संगीन या बड़ा सख्त दिन है। तो यहाँ पे फरमाया कि जब हमारे भेजे हुए पैगाम लाने वाले लूत के पास आए तो वो उन्हें वो रंजीदा हुए, उन्हें बुरे लगा और उनका दिल तंग हुआ, दिल से थोड़ा सा दिल तंग हुआ और वो कहने लगे कि ये बड़ा सख्त दिन है। इसकी वजह क्या थी? क्या हज़रत लूत अलैहिस्सलाम फरिश्तों के आने से नाराज हुए? नहीं, ऐसा नहीं था, क्योंकि जब फरिश्ते आए तो इंसानी शक्ल में और खूबसूरत लड़कों की शक्ल में आए और हज़रत लूत के घर में आए। हज़रत लूत पहचान ना सके कि अल्लाह के फरिश्ते, जैसे इब्राहिम के पास फरिश्ते आए थे तो उन्होंने समझा मेहमान हैं, अजनबी लोग हैं और उनके लिए खाने का एहतमाम किया, बाद में बताया। ये तो यहाँ पे हज़रत लूत को भी पता नहीं चला कि अल्लाह के फरिश्ते हैं, वो खूबसूरत शक्ल में, खूबसूरत लड़कों की शक्ल में आ गए। जो ही हज़रत लूत ने देखा कि मेरे घर में ये ऐसे मेहमान आए हैं और तो उन वो फिर परेशान हुए। परेशानी उनकी ये थी कि मेरी कौम जो कि इस गलत काम में और गलत फहर में मुबतला है वो मेरे मेहमानों को भी नहीं बख्शेंगे, यानी कौम की बदकारी की वजह से कोई था और उन्होंने देख लिया था लूत के घर में इस तरह के मेहमान आए हैं। तो लिहाजा हजरत लूत की जो परेशानी थी वो परेशानी ये थी कि अब मैं अपने मेहमानों की कैसी हिफाजत करूं, ये मेरी कौम तो जो है वो चढ़ दौड़ेगी और सब आ जाएंगे और मेरे घर पर हमला कर देंगे कि अपने मेहमानों का हमारे हवाले करो। यानी इतनी इंतहाई बदकार और जलील कौम थी कि जो है वो किसी की बात को नहीं सुनते थे। तो लिहाजा ये दिल तंगी और ये रंजीदा होना और फिर कहना कि ये इंतहाई संगीन दिन है, उसकी वजह ये थी कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम जब उनको देखा तो नहीं पता चला कि ये अल्लाह के फरिश्ते हैं। लेकिन अगली आयत में इरशाद फरमाया कि वजाहु कौमहु युरऊन इलैहि, और उनकी कौम उनके पास आई, यानी लूत की कौम उनके पास आई सरपट दौड़ती हुई, योहराऊना यानी दौड़ते हुए उनकी तरफ, यानी तेजी से बेताशा दौड़ती हुई, योहराऊना यानी तेजी से और सरपट और बड़ी हाँपते हाँकते हाँपते हुए तेजी से भागते भागते आए हजरत लूत के पास। और वमिन कबलो कानु यामलून सयाद, और ये फरमाया कि ये कौम क्या थी, ये कौम जो है उससे पहले वो बदकारी करते थे, बुरे काम अंजाम देते थे, कानू यामलून सयाद, यानी उनकी फितरत ये थी, उनकी सीरत ये थी, उनकी रविश यही थी, कानू यामलून सयाद, यानी वो हमेशा बदकारी और बदफेली किया करते थे इससे पहले। यानी यहाँ पे इशारा किया गया, इशारतन कनायतन फरमाया गया कि ये किस मकसद के लिए कौम लूत दौड़ी दौड़ी आई हज़रत लूत के पास, यानी अपनी बदकारी और उस फेल बदकारी के लिए आई। क़ाल या कौमी, तो लूत ने हज़रत लूत ने क्या फरमाया, फरमाया ए मेरी कौम हाउलाए बनाती, ये मेरी बेटियाँ हैं, हुन्ना अतहरु लकुम, वो तुम्हारे लिए ज़्यादा पाकीज़ा हैं, यानी अगर तुम चाहते हो तो निकाह करो, फत्तकुल्लाह, बस तुम अल्लाह का खौफ रखो, अल्लाह से डरो,
वला तो खजूनी फी ज़ैफी, और मुझे रसुवा न करो मेरे मेहमानों के सामने, यानी मेहमानों के मामले में मुझे रसुवा न करो। अलैसा मिनकुम रजुलुन रशीद, क्या तुम में से कोई रशीद अकलमंद बाहोश जो है वो आदमी नहीं है, क्या तुम में से कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जो अकलमंद हो, होशमंद आदमी मौजूद नहीं है। यानी अब जो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम जो परेशान हुए थे, तंग दिल हुए थे और दिल में जो है वो उसमें संगीनी का एहसास किया था, अब उस चीज़ को इस आयत पे बयान कर दिया कि हज़रत लूत की वो परेशानी किस वजह से थी। ठीक है, तो हज़रत लूत जब देखा कि मेरे पास ये खूबसूरत शक्ल के लड़के आए हैं और मेरे मेहमान हैं, और जो है वो और लोगों ने भी देख लिया कि हज़रत लूत के घर ऐसे मेहमान आए हुए हैं, तो वो लोग जो है इंतहाई जो के बेहया थे और इंतहाई गलतकार थे, और गलत जो है वो उनके फेल था कि जो लवात में मुबतला थे। ठीक है, तो कौम लूत को इसी वजह से जो है वो, अगरचे ये लफ्ज़ से लवात जो इसी से निकला, लूत से निकला, यानी कौम लूत इस फेल में मुबतला हुई तो इसको कहा गया लवात, अगरचे ये फेल के लिए नाम नहीं है। ठीक है, कौम लूत के वजह से ये नाम पड़ गया। तो उस बेहयाई की इंतहा का अंदाज़ा यानी से आप कर सकते हैं कि वो यूँ ही देखा कि हज़रत लूत के घर में से मेहमान आए हैं, खूबसूरत लड़के आए हैं, तो वो भागे भागे यानी हाँपते हुए आए, तेज़ी से भागते हुए आए, यानी एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश की कि कहीं जो है वो दूसरा आगे ना बढ़ जाए। इस इंतहाई यानी किसी कौम की खिफत, इंतहाई पस्ती को यहाँ पे बयान कीजिए कि कितने पस्त और कितनी हकीर और कितनी सथी सोच रखने वाले और कितने ही गिरे हुए सोच वाले लोग थे। अब हजरत लूत अपने मेहमानों को जो है वो बचाना चाहते हैं, उम्मीद चाहते हैं कि उनकी जो है वो मेहमानों के सामने उनकी रुसवाई हो, और ये कहें कि ये उनकी कौम किस तरह की है। अभी तक हजरत लूत को नहीं पता कि अल्लाह के फरिश्ते हैं, तो हजरत लूत ने क्या फरमाया कि ये मेरी बेटियाँ तुम्हारे लिए पाकीज़ा हैं, यानी पाकीज़गी की जो इस्तिलाह इस्तेमाल की उससे पता चलता है कि यानी निकाह मुराद है, यानी तुम चाहो तो मेरी बेटियों से निकाह करो। तो अब इस मेरी बेटियों से मुराद क्या है? बाज ने कहा कि हजरत लूत अपनी बेटियों की पेशकश कर रहे हैं कि मेरी बेटियों से निकाह करें, बाज का नहीं, हजरत लूत मुराद ले रहे हैं कि कौम की बेटी, यानी जो कौम की ख्वातीन हैं, चूँकि ज़रबत अल्लाह के नबी हैं, नबी खुदा जो है वो के लिए पूरी कौम जो है वो नबी खुदा एक तरह से अल्लाह ताला की तरफ से बाप की हैसियत रखते हैं कौम के ऊपर, एक कौम के बाप की हैसियत होती है। तो लिहाजा मेरी बेटियां से मुराद यानी मेरी कौम की ये जो बेटियां हैं, अगर तुमने करना है तो उनसे निकाह करो। पाकीज़ा तरीका ये है, इफ़त का तरीका ये है कि तुम उनसे निकाह करो। ये तो लिहाजा ये यहाँ पे सवाल उठता है कि अगर फ़र्ज किया हज़रत लूत कह रहे हो कि ये मेरी बेटियां तुम निकाह करो, तो ये तो काफिर लोग थे, काफिरों के साथ कैसे निकाह हो सकता है? तो इसका भी जवाब ये दिया गया कि शरीयत लूत में ऐसा करना जायज़ था कि वहाँ पे काफिर और मुस्लिम की इम्तियाज़ नहीं था, बाज़ ने ये कहा, और जैसा कि इब्तदाई इस्लाम में भी जायज़ था कि काफिरों और मुसलमानों के आपस में भी रिश्तेदारियाँ होती थी, लेकिन कुल्ली तौर पर यह ज़्यादा मुनासिब है कि हज़रत लूत अपनी ज़ाती बेटियों की बात नहीं कर रहे, बल्कि कौम लूत अपनी कौम की बेटियों की बात कर रहे हैं, कि इन कौम की बेटे खुद हज़रत लूत की बेटियों, हज़रत लूत जो है वो अपने कौम के लिए बाप की हैसियत रखते थे अल्लाह के नबी होने की वजह से। तो ये नहीं फरमाया जा रहा है कि ये मेरी बेटियां, यानी मेरी ये कौम में जो लोग ख्वातीन मौजूद हैं ये मेरी बेटियां हैं, इनसे तुम निकाह करो अगर तुम अपनी जिनसी ख्वाहिशात को पूरा करना चाहते हो। तो बेहतरीन और पाकीज़ा तरीका ये है कि तुम ये शाइस्ता तरीका अपनाओ, ना कि गलत तरीके से तुम अपनी ख्वाहिश को पूरा करो। तो इससे फिर ये फरमाया कि क्या तुम में कोई मुझे अपने मेहमानों के सामने रसुवा ना करो, और तुम में कोई होशमंद और जो है वो रशीद
अक्ल और दानिश रखने वाला मर्द नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि जो गलत काम करने वाले हैं उनमें अक्ल नाम की कोई चीज़ नहीं होती। और इससे ये भी पैगाम मिलता है कि इस्लाम जो है वो ख्वाहिशात के मुखालिफ नहीं है, लेकिन उसका एक फितरी तरीका करार दिया है। और फितरी तरीका जो है वो ख्वाहिशात नफ्स के लिए वो पाकीज़ा तरीके से निकाह करना है, ना कि गलत तरीके से जो है वो अपनी ख्वाहिश को पूरा करना है और जिसकी मजम्मत की गई है। आगे ये इरशाद फरमाया कि قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَيْتِكَ مِنْ حَقٍّ، وہ کہنے لگے قوم لوط جو ہے وہ بولے لَقَدْ عَلِمْتَ، تُو یہ خوب جانتا ہے اچھی طرح جانتا ہے، مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ، ہمیں تمہاری بیٹیوں میں کوئی حق نہیں، یعنی ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کوئی غرض نہیں ہے، ہمیں کوئی ان سے دلچسپی نہیں ہے، وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور بے شک تو یہ بھی جانتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ یعنی اتنی ڈھیٹ اور انتہائی گری ہوئی قوم تھی حضرت لوط کی کہ ان میں یعنی شرم حیا نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی تھی۔ اب جب اس مرحلے پہ کوئی قوم پہنچ جاتی ہے تو اس کی تباہی حتمی ہے، یعنی اس کے بعد اب اس کی ہدایت کی کوئی امید نہیں رہ گئی، اور اس کے بعد اس نے تباہی ہونا ہے، اور اس کے بعد اس کی بربادی لکھی جا چکی ہے کہ ان میں شرم حیا کی چیز نام کی کوئی چیز نہیں رہی۔ انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ ہمیں کوئی آپ کی بیٹیوں سے یعنی یہ عورتوں سے ہمیں کوئی غرض نہیں، ہمیں کوئی دلچسپی نہیں، ہم تو اور کام کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور تم جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ اب یہاں سے ایک اور چیز کہ آج کل جو ہے وہ جس طرح سے مغربی کنٹریز میں سلسلہ شروع ہوا کہ ہم جنس بازی اور مردوں کی مردوں کی شادیاں عورتوں کی عورتوں کے ساتھ شادیاں، اور اس کو قانونی حیثیت دی گئی، اور تب بعض مسلمانوں نے بھی ابھی پچھلے دنوں جو ایک مشہور شخصیت سیاسی اور صحافی شخصیت کے بیٹے نے بھی ایسا کیا کہ وہ مسلمان ان کے اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ اس نے اپنے لیے ایک شادی کی کسی لڑکے سے، جو کہ غیر فطری عمل ہے، قرآن کی نظر میں یہ غیر فطری عمل ہے اور انتہائی یعنی حیوانیت سے بھی پستہ رہے، یعنی حیوان بھی ممکن ہے کہ اس طرح کا کام نہ کریں تو حیوانیت سے بھی پستہ رہے، کہ جو آج کے انسان جو ہے جس کو قانونی شکل دے رہے ہیں۔ اور بعض دفعہ ہمارے کنٹری میں ہمارے ملک میں بھی اس طرح کی آوازیں اٹھائی گئیں کہ اس کو جائز قرار دینا چاہیے، حالانکہ انتہائی کٹیا اور انتہائی حقیر عمل کے جس جو حیوانیت سے بھی پستر ہے، اور یہاں پہ وہ قوم لوط والا عمل ہے، قوم لوط والا عمل ہے کہ جو کہ غیرت اور حیا کی جو ہے انتہائی، جس کے اندر حیا نام کی کوئی چیز نہ ہو تو وہ اس طرح کی کام کر سکتا ہے۔ لہٰذا فرمایا انکا لتعلم، تو جانتا ہے ہم کیا چاہتے ہیں۔ تو اس میں بیان کیا گیا ہے کہ علامہ طباطبائی نے بھی اپنی تفسیر میں تفسیر المیزان میں کہ ان کے قومی رواج کے مطابق لوگوں کو عورتوں پر زور بازو قبضہ کرنا درست نہیں تھا، مگر لڑکوں سے اپنی آواز پوری کرنے کیا کوئی حرج نہیں۔ ان کی نظر میں یہ تھا کہ جو ہے وہ عورتوں کی طرف دلچسپی نہیں رکھتے تھے، اور نہ ہی عورتوں سے حتی زبردستی بھی نہیں کرتے تھے، بلکہ لڑکوں سے اپنی آواز پوری کرتے تھے، اور اس میں کوئی ان کے نظر میں کوئی حرج نہیں تھا۔ اور حضرت لوط علیہ السلام نے پھر بھی ان کو واز و نصیحت کی لیکن وہ نہیں مانے۔ اگلی آیت میں فرمایا قال لو ان لی بکم قوتن او آوی الی رکن شدید، تو لوط علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اے کاش مجھ میں طاقت ہوتی، لو ان لی بکم قوۃ، کاش کہ میرے پاس تمہارے لیے قوت ہوتی، طاقت ہوتی، یعنی تمہیں روکنے کی میرے اندر اتنی قوت ہوتی کہ میں تم سب کو روک دیتا، او آوی یا کسی مضبوط سہارے
की पना लेता, आवी पना लेता इला रुकन शदीद, किसी मजबूत सहारे की। यानी हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने ये देखा कि ये कौन तो बाज, ये लोग तो बाज आने वाले नहीं है, मेरे मेहमानों के सामने मेरी रसवाई कर देंगे, उनको पकड़ के ले जाएंगे। तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने इस आर और नंग से बचने के तमाम जराए इस्तेमाल किए, वाज़ और नसीहत की, और उन्हें कह दिया कि अपनी फितरी रास्तों से अपनी ख्वाहिश को पूरे करो, मेरी बेटियों से निकाह करो, और को तुम्हें उनको एहसासी तौर पर भी कहा कि क्या तुम्हें अकल रखने वाला कोई बंदा नहीं है, क्या तुम्हें कोई रशीद कल्ब नहीं है। इन तमाम वाज़ और नसीहत, इन तमाम बातों से जब मायूस हुए तो कहने लगे कि आकाश मेरे पास इतनी कुदरत होती तुम्हारा मुकाबला करता, या मेरा कोई कौम व कबीला होता जो मेरी दिफा करता, और मैं जो या कोई मेरी जाए पनाह होती और मैं उसका सहारा लेता। यानी एक तरह से बेबसी का इजहार कर रहे हैं हजरत लूत अलैहिस्सलाम उन लोगों के मुकाबले में कि क्या किया जाए। अब इंसान इंतहाई बेबस हो जाता है, तो अब ऐसे में क्या किया जाए कि इन लोगों से कैसे छुटकारा दिया जाए, कैसे मैं अपनी इज्जत को बाकी रखूँ और मेहमानों के सामने मुझे रुसवाई ना हो। अगली आयत में इरशाद फरमाया, क़ालू या लूत इन्ना रुसुल रब्बिक ला यसिलु इलैका फअस्र बिअहलिक बिक़ितइन मिनल लैल वला यल्तफित मिनकुम अहदुन इल्ला इम्रअतक। अब यहाँ पे फरिश्ते बोल पड़े, फरिश्तों ने कहा या लूत, ए लूत, इन्ना रुसुल रब्बिक, बेशक हम आपके रब के भेजे हुए हैं, आपके रब के तरफ से भेजे हुए हैं, लई असिलु इलैक, ये लोग आप तक नहीं पहुंच सकेंगे, ये लोग आप तक नहीं पहुंच सकते, इनका हाथ आप तक नहीं पहुंच सकता, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। बस क्या आप करें, फासरे बे अहलिका बे क़ित मिन अल-लैल, बस आप रात के किसी एक हिस्से में अपने घर वालों को लेकर निकल चलें, यानी रात की तारीकी में निकल चलें, रात के किसी एक हिस्से में, किसी एक पहर में अपने घर वालों को लेकर निकल चलें खामोशी से। वला यल्तफित मिनकुम अहद, और आप में से कोई भी जो वो पीछे ना देखे या मुतवज्जे ना हो। ला यल्तफित मिनकुम अहद, कोई भी तुम में से जो वो इनको पलट कर ना देखे, और कोई जो है वो इनमें से पीछे नहीं रहेगा, आप में से कोई शख्स भी पीछे मुड़कर ना देखे। इल्लम्रा तक, सिवाय आपकी बीवी के, यानी ये आप अपने घर वालों के साथ चले जाएं, मगर आपकी एक बीवी है वो इसी कौम के साथ रहेगी और उस वो इनके साथ ही उस पर अजाब आएगा। इन्नहु मुसीबुहा मा असाबहु, बेशक जो अजाब इन पर आने वाला है उस पर भी वही अजाब आएगा, बेशक जो अजाब दूसरों पर पड़ने वाला है वही इस बीवी पर भी पड़ेगा। मुसीबुहा, यानी इस पर बीवी पर वो मुसीबत आएगी, वो अजाब आएगा। मा असाबहु, जो उस कौम के ऊपर अजाब आएगा। इन्ना मौईदहुम सुबह, यकीनन इनका जो वादगा है, अजाब का जो वादे का वक्त है वो सुबह है। मौईदहुम, यानी अजाब के वादे का वक्त सुबह है, सुबह के वक्त इन पर अजाब आएगा। अलैसा सुबह बिकरीब, क्या सुबह का वक्त करीब नहीं है। तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम की जब परेशानी को, इज़्तिराब को फरिश्तों ने देखा तो उसके बाद असल राज से पर्दा उठाया। पहले तो आजमाइश हो रही थी, इम्तिहान हो रही थी, हजरत लूत की भी आजमाइश थी और उनकी कौम की भी आजमाइश थी कि ये देखते हैं कि ये कौम किस हद तक जा सकते हैं। तो फरिश्तों ने राज से पर्दा उठाया, कहा कि दूत हम आप परेशान ना हो, हम अपने रब के, आपके रब के फरिश्ते हैं और ये हमारा बाल भी कर नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, ये आप तक भी नहीं पहुंच सकते, आपको भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते, ये लोग अल्लाह ताला ने आपको बचाना है और आप जो है वो के लिए हुक्म ये है कि ये लोग इन लोगों के ऊपर अजाब आने वाला है बहुत जल्द,
बस आपने रात की तारीखी की याद के किसी पैर में अपने घर वालों के साथ यहाँ से निकल जाना है, कुछ करना है और पीछे पलट के ना देखें, इनके ऊपर अजाब आने वाला है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, कैसे आया, इन लोगों ने हमला तो नहीं किया फरिश्तों के ऊपर, इस यहाँ पे बयान नहीं हुआ, लेकिन दूसरी जगह पे सूरह कमर में बयान हुआ है। सूरह कमर की आयत नंबर 37 में बयान हुआ है कि वलकद रावदूहु अन ज़ैफिही फतमसना अयुनहुम, यानी ये फकत इस बयानबाजी पर तक न रहे बल्कि इन्होंने हमला किया और बेताकीक उन्होंने लूत के मेहमानों को काबू करना चाहा और अपनी हवस को पूरा करने के लिए लूत के मेहमानों के ऊपर हमलावर भी हुए, लेकिन हमने किया तो हमने उनकी आंखें मिटा दी, उनको नाबीना कर दिया, अंधा कर दिया, जो भी नजदीक आता था वो अंधा हो जाता था, नाबीना हो जाता था, यहां तक कि वो भाग गए यहां से, डर गए। यानी इस तरीके से लूत और उनकी मेहमानों की जान बची इस कौम से। तो वो बयान किया कि बस हमने उनकी आंखें मिटा दी, बस हुक्म हुआ कि आप जो है वो जब ये लोग भाग गए फिर वहां से, तो फिर हजरत लूत अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ और बयान फरमाया कि रात की तारीकी से आपने पैदा उठाना और निकल जाए, अपने खानदान के तमाम अफराद को लेकर निकल जाए, लेकिन आपकी बीवी खयानतकार है। एक बीवी जो हजरत लूत अलैहिस्सलाम की थी और उसी कौम से थी, बयान किया गया उसी कौम से थी और वहीं से हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने जो एक बीवी से वहां से एक औरत से शादी की थी वो उनको जब उनका साथ देती थी कौम का, और बयान किया गया कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम के जो मेहमानों की खबर भी इसी औरत ने दी थी, यानी उनके साथ थी और उसका ख्याल उन्हीं के साथ था उसे। तो लिहाजा जब उसका अमल दुरुस्त नहीं था तो फरमाया गया कि यही रहेगी इसको, और इसके ऊपर भी वही अजाब आने वाला है जो आपकी इसी कौम के ऊपर अजाब आने वाला है, और आपकी कौम के ऊपर जो अजाब आएगा सुबह के वक्त आएगा और जब ये गहरी नींद सो रहे होंगे उन पर अजाब आएगा। अक्सर कौमों के ऊपर जो अजाब आया कुरान बयान किया कि या तो वो सुबह के वक्त आए, ये जब वो दिन को वो चाश के वक्त वो सो रहे थे आराम कर रहे थे उस वक्त अल्लाह ताला की तरफ से अजाब आया। ये अल्लाह ताला की तरफ से की सुन्नतें, अल्लाह ताला की कवानीन हैं। बहरहाल और जहाँ ये अहम है कि इस तरह हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी थी, इसी तरह कौम हजरत लूत की बीवी, ये दो बीवियों का कुरान ने तज़किरा है कि कुरान ने बयान किया कि अल्लाह ताला ने ज़रब अल्लाह मसलन, अल्लाह ने मिसाल दी है दो काफरों के लिए, दो औरतों की, एक नूह की बीवी और एक लूत की बीवी, कि अगरचे वो साले शोहरों के तहत थीं, उनके शोहर नबी थे, लेकिन उसके बावजूद ये ईमान ना लाई और काफरों वाला अजाब उनके ऊपर हुआ। यानी मिलाक और मयार कुरान ने बयान किया कि मिलाक और मयार बीवी होना नहीं है। मिलाक और मयार क्या है, करेक्टर है, किरदार है, ईमान है, साबित कदमी है। हत्ता अगर जो है वो नबी का बेटा हो और वो भी अगर नबी का साथ ना दे और मुखालफत करे तो वो भी फरमाया कि लैसा मिन अहलिक, आपके अहल में से नहीं हो सकता। लिहाजा हजरत नूह का बेटा कनान जो है वो अजाब इलाही में मुबतला हुआ, इसी तरह हजरत नूह की बेटी, हजरत नूह की बीवी अजाब में मुबतला हुई, इसी तरह हजरत लूत की बीवी भी अजाब में मुबतला हुई। तो ये कवानीन इलाही हैं, ये अल्लाह ताला के फार्मूले हैं जो कि कहीं पे किसी नबी के लिए और किसी कौम के लिए नहीं बदलते। लिहाजा यही तो कुरान समझा रहा है हमें कि शख्सियात के पीछे ना जाएं बल्कि किरदार को देखें, और अगर हम किरदार को देखें तो अहले बैत से बढ़कर किसी का किरदार नहीं है, और बहुत सारे ऐसे अफराद जो अहले बैत के मुकाबले में आते हैं वो उस किरदार की बुलंदी पे नहीं है, लेकिन हम शख्सियत को मद्देनजर रखते हुए कहते हैं कि शख्सियत बहुत अहम है, तो लिहाजा इस वजह से शख्सियत बनती है किरदार से। तो देखा जाए तो ये इबरत है और बयान किया गया है कि हजरत लूत की बीवी भी अपनी कौम के साथ जो अजाब में मुबतला हुई। फिर आगे फरमाया कि फलम्मा जा अमरुना जालना आलिया साफिलहा,
وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُود। बस जब हमारा हुक्म आ गया तो हमने इस बस्ती को तहबाला कर दिया, जालना आलिया साफिला, यानी हमने उलट पलट कर दिया, इसका ऊपर को नीचे और नीचे को ऊपर कर दिया, यानी बिल्कुल उसको ऊंधा कर दिया। अंतरना आलिया हिजारतन मिन सिज्जील, और फकत ये नहीं किया बल्कि उन पर पुख्ता मट्टी के पत्थरों की बारिश कर दी। मिन सिज्जीलिन मंदूद, यानी कंकरों की लगातार जो वो पत्थरों की उनके ऊपर बारिश कर दी, के यानी पत्थरों का अजाब आया उनके ऊपर। और फिर हमें मुसव्वमतन मिन इंद रब्बिक, ये वो पत्थर थे कि जो निशान ज़दा थे, जिन पर निशानी लगी हुई थी तेरे रब की तरफ से। वमा हिया मिन अज़्ज़ालिमीन बिबईद, और ये अजाब जालमों से कोई दूर नहीं है। सिज्जील का लफ्जी माना वो पत्थर है कि जो मिट्टी से, मिट्टी के ढीले को कहा जाता है, लेकिन सख्त हो जाता है जब तो वो पत्थर की शक्ल अख्तियार कर देता है। और मंजूद यानी मुसलसल और लगातार और तय बतय के माने में। तो यहाँ पे ये बयान हुआ कि अल्लाह ताला का अजाब आया, और अजाब आया और इतना सख्त, मुमकिन है कि जलजिले की सूरत में हो, पहले मरहले में जलजिला आया हो, क्योंकि बयान किया कि हमने ज़मीन को उलट करते हुए बाला कर दिया है, ऊपर के नीचे नीचे तमाम उनके मकानात गिर गए, ऊपर नीचे नीचे से ऊपर ऊपर से नीचे, यानी इतना सख्त जदीद यानी गोया कि जलजिला आया कि वो हर चीज़ ऊपर यानी ऊपर की चीज़ नीचे, नीचे के ऊपर हो गई, यानी इस तरह से कि कोई चीज़ अपनी जगह पर बाकी ना रही, और फिर पत्थरों का अजाब भी ऊपर नाज़िल हुआ। यानी ये अल्लाह ताला के इंतहाई गज़ब की अलामत है कि इतना सख्त अल्लाह ताला के ऊपर गज़बनाक हुआ कि ना फकत उनको तहबाला किया, वो उसी वही करना काफ़ी था, उसी से उनकी मौत वाकई हो गई थी, लेकिन नहीं, बल्कि उनके ऊपर पत्थरों से, पत्थरों का अजाब भी, पत्थर भी आसमान से नाज़िल हुए, पत्थरों का बारिश हुई, किसी कौम के ऊपर इतना सख्त अजाब नहीं आया। यानी कौम याद, कौम समूद, बाकी कौमों पर भी अजाब आया है, कहीं तूफान चला, कहीं आंधी चली, इस तरह से वो मर गए, लेकिन डबल डबल अजाब और इतना शदीद अजाब, कौम लूत के ऊपर जो अजाब आया, किसी कौम के ऊपर इतना सख्त अजाब नहीं आया। और फरमाया कि यह कौम जो है, ये जो पत्थर उनके ऊपर हासिल किए गए, ये अल्लाह ताला के गज़ब के पत्थर थे, अलामत ज़दा मुसव्वमतन इंद रब्बिका, तेरे रब की तरफ से निशान ज़दा थे, यानी ये ज़ालिमों के लिए और वो लोग जो मग़ज़ूब हैं, जिन पर अल्लाह का गज़ब होता है, उनके लिए अल्लाह ताला की तरफ से मखसूस पत्थर है। और ये फरमाया कि ये अजाब है, ये ज़ालिमों से कोई दूर नहीं है, जब अल्लाह ताला चाहे ज़ालिमों को अपनी गिरफ्त में ले सकता है और उन पर अजाब आ सकता है, और कभी भी ज़ालिम यह न समझें कि खुदा ताला की गिरफ्त से दूर है। फिर इरशाद फरमाया कि वाइला मदयना अखाहुम शुएबन, और मदयन मदयन की तरफ उनके भाई शुएब को भेजा है। قال يا قوم اعبدوا الله, उसने कहा कि ऐ मेरी कौम, तुम सब अल्लाह की इबादत करो। ما لكم من اله غيره, नहीं है तुम्हारे लिए कोई माबूद उसके सिवा। वला तनकुसु अल-मिकयाल वल-मीज़ान, और तुम कमी ना करो नाप और तौल में, मिकयाल नाप में, पैमाइश में, वल-मीज़ान और तौल में। इन्नी अराकुम बिखैरिन, मैं देख रहा हूँ तुम्हें खैर में, भलाई में, आसुदगी में। व इन्नी अखाफ़ु अलैकुम अज़ाबा यौमिन मुहीत, यानी आज तुम आसूदगी में हो और अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे हो, लेकिन इन्नी अखाफ़ु अलैकुम, बेशक मैं तुमसे खौफज़दा हूँ, खौफ रखता हूँ तुम पर, अज़ाबा यौमिन मुहीत, एक घेर लेने वाले दिन के अजाब से, इंतहाई सख्त अजाब से तुम
मैं तुम्हारे बारे में खौफजदा हूँ। अब कौम शुआइब की बात आ रही है इस आयत में कि मदाइन में जो है वो जहाँ पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी जब फिरौन से और फिरौनियों से भाग के निकले थे और मिस्र से वो मदाइन में गए थे, तो वहाँ पे हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को नबी बना के भेजा गया मदाइन। अलबत्ता वो बाद लोग कहते हैं कि हजरत मूसा जो गए थे वो शुएब के पास गए थे, लेकिन दुरुस्त राय ये है कि नहीं, हजरत शुएब की को जो ज़माना है पहले था हजरत मूसा से, काफ़ी पहले था। तो जिनके पास हजरत मूसा गए थे और उनकी बेटी से शादी भी की थी वो हजरत शुएब की नस्ल से थे, उनके पोते या पोते थे, लेकिन साले फर थे, अच्छे शेख मदैन जो है वो थे और साले और नेक बंदे थे, लेकिन खुद हजरत शुएब नहीं थे। बहरहाल हजरत शुएब जो मदैन में उनको अल्लाह ताला ने तबलीग के लिए और हिदायत के लिए भेजा था उस कौम के पास, और उन हजरत शुएब की कौम के अंदर जो सबसे बड़ी बीमारी थी वो क्या थी, नाप तौल में कमी करते थे। यानी बाकी बुराइयां अपनी जगह पे, लेकिन बाज़ दफ़ा किसी कौम के अंदर कुछ बुराइयां जो है उरूज पर होती हैं, जैसे कि कौम लूत के बारे में, कौम लूत बाकी गुनाह भी करते होंगे यकीनन, जारी बात है। एक जो चीज़ जो टॉप की चीज़ है, जो गंदगी और गुनाह जो कि टॉप का गुनाह अगर अंजाम दे रहे हैं कि जो इंतहाई ज़्यादा उनके होते हैं, जारी बात है बाकी गुनाह भी करते थे, लेकिन एक गुनाह जिस जो उनके दरमियान राइज था, अक्सर लोग उसको अंजाम देते थे और इतना राइज हो गया कि उसी वो कौम उसी नाम से पुकारी जाने लगी। तो इसी तरह कौम शुआइब है, कौम शुआइब का जो राइज गुनाह था और जो अक्सर कौम जिसमें मुबतला हो चुकी थी वो नाप तौल में कमी थी, नाप तौल में कमी करते थे, यानी पैमाइश की चीज़ें, मापने की चीज़ें और जो तोलने की चीज़ें उनमें कमी बेशी करते थे, तोलते थे तो कम तोल के देते थे और नापते थे तो उस पैमाइश में कमी करते थे। नाप तोल में कमी इंतहाई बड़ा जुर्म है, कुरान ने दूसरी जगह पे भी इस चीज़ की ताकीद की है कि नाप तोल में कमी ना करो, और रवायात में भी सख्ती से इसकी मुजम्मत आई है और अल्लाह ताला के अजाब से डराया गया है। तो क्योंकि हक और नास है, लोगों का हक है, बाज़ दफ़ा हमारे यहाँ देखें हम लोग कहते हैं हमारे हाकिम या हुक्मरान जो है वो गलत है, ठीक है हुक्मरान दुरुस्त नहीं है, हुक्मरान आदिल नहीं है, वो अपनी जगह पे, लेकिन खुद हमारी कौम भी तो बाज़ ऐसी बुराइयों में मुबतला है कि जिसकी वजह से अल्लाह ताला हमें उठाता नहीं है, अल्लाह ताला हमें कामयाबियाँ अता नहीं करता, अल्लाह ताला हमें मिन हैसुल कौम एक अच्छी कौम नहीं बनाती, क्यों इसमें हमारे अंदर यानी जो जिसकी जहाँ पे बस लगता है वहाँ पे वो चोरी करता है। सूरह मुत्तफिफीन, सूरह मुत्तफिफीन मुकम्मल इसी टॉपिक पे है, मुत्तफिफीन यानी वो लोग के जो कमी बेशी करते हैं अपनी जिम्मेदारियों में, नाप तोल में, हर चीज में कमी बेची, यानी यहाँ पे फकत नाप तोल की कमी नहीं है, नाप तोल को एक सिंबल के तौर पर है और नाप तोल फकत चीज़ों के लेन देन पर ही मुनसर नहीं है, नाप तोल को अगर उमूमी माना में लिया जाए तो इसका माना बड़ा वसी है, मतलब एक बंदे की जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को अगर वो पूरा नहीं करता तो भी उसने क्या किया, उसने पैमाइश में कमी की है, नाप तौल में कमी की है। मसलन एक जगह मेरी ड्यूटी, मेरे 8 घंटे ड्यूटी देनी है, मैं 8 घंटी मारता हूँ, 8 के बजाय मैं 5 घंटे देता हूँ, ठीक है 8 घंटे काम नहीं करता मैं तो चक्कर लगा के बस आदमी लगा के आ गया, सही है जिस तरह से बाद स्कूलों में होता है, बाद सदारों में होता है, बाद जगहों पे होता है, और मैंने अपनी तनख्वाह पूरी ले ली,
तो ये मैंने क्या क्या मैंने नाप तौल में कमी की है, मैं मुतफिफीन में से हूँ। ठीक है, जो जिम्मेदारी जिसकी है। अब देखें हमारा हमारी कौम इस आया इसमें शिकार है या नहीं, इस बीमारी में मुबतला है या नहीं। ठीक है, हम तो देख रहे हैं कि रेडी वाले तो करते ही करते हैं, सही है, उनके नाप तोल के ऊपर तुम्हारी नज़र है कि वो तो करते हैं, उन्होंने तो कांटे ऐसे रखे होते हैं कि उसके अंदर दो नंबरी मौजूद होती है, या कोई पत्थर उसके नीचे बांध देंगे या कोई और ऐसा काम करेंगे, ये तो ज़ाहरी नाप तोल में कमी है, ये तो कर ही रहे हैं। लेकिन इससे हट के खुद हम और हमारी कौम में कितने अफराद ऊपर से नीचे सारा का सारा निज़ाम ही बिगड़ा हुआ है, हमारे अंदर वो ईमान नहीं है और हमारे अंदर ये कौमी शोएब वाली बीमारी बहुत कसरत से मौजूद है हमारी कौम के अंदर। ठीक है, इससे हमसे बेहतर तो अंग्रेज़ हैं, हमसे बेहतर वो लोग हैं, वो कम अज़ कम इस मामले में बहुत ईमानदार हैं, जो उनकी जिम्मेदारी होती है उस जिम्मेदारी को पूरा करते हैं। आप यूरोपियन कंट्रीज में जाएँ, उन अपनी जो उनकी जितने घंटे उनका काम है तो वो बड़ी ईमानदारी से वो पूरा काम अपना करेंगे, यानी कोशिश करते हैं एक मिनट इधर से उधर ना करें। लेकिन इस मामले में हम वाकई काम चोर लोग हैं, नीचे से ऊपर सब काम चोर हैं। जब काम चोर हैं इसी वजह से हमारी कौम तरक्की नहीं करती। अफीसर है तो वो अपनी जगह काम चोरी के, नीचे वाले तो अपनी जगह, हर एक डंडी मारने के चक्कर में है, पूरी कौम इसी भी लगी हुई डंडी मारने के चक्कर, और इसी वजह से हमारी कौम तरक्की नहीं करती। कौमें कहाँ से कहाँ पहुँच गई, पाकिस्तानी कौम नीचे से नीचे जाती जा रही है, बस्ती की तरफ जाती जा रही है। तो ये वो कौमी शुआब वाली बीमारी हमारे अंदर मौजूद है, तो कैसे खुदा ताला हमारे ऊपर रहम करे। हर तरह के अजाब भी हमारे लिए हैं, हर तरह की मुसीबतें भी हमारे लिए हैं, और फिर जालिम और हाकिम जो हुक्मरान भी पस्त हाकिम भी हमारे लिए ही हमारे ऊपर मुसल्लत होंगे। जाहिर जैसी कौम होगी वैसे ही हाकिम होंगे, ये फैसला सुनाया गया है कि जैसी जैसे हाकिम वैसी कौम, जैसी कौम वैसे हाकिम, ये आपस में बिल्कुल एक दूसरे के साथ लाजम मलजूम है। लिहाजा फरमाया कि हजरत शुएब की कौम इस बीमारी में मुबतला थी, उन्होंने बड़ी उनको नसीहत की और फरमाया कि मैं तुम देख रहा हूँ कि अभी तुम आसूदगी में हो, अभी तुम इतनी परेशानी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें डरा रहा हूँ कैसे दिन से कि जिस दिन तुम्हें अल्लाह का अजाब घेर लेगा, डरो उस दिन से और इस नाप तोल की कमी को और इसको छोड़ दो, इस हेरा फेरी को छोड़ दो। इसका ऐसा काम है कि जिसका दुनिया में भी इंसान खसारा देखता है और आखरत में भी देखता है। और फिर इरशाद फरमाया या कौम, और ए मेरी कौम, औफुल मिकियाल वल मीज़ान बिल क़िस्त, तुम इंसाफ के साथ पूरा नापा करो, पूरा तोला करो, वला तबख़ुसुल नास अशियाहुम, और लोगों को उनकी चीज़ें कम न दिया करो, वला तअसौ फिल अर्ज़ मुफ़सिदीन, और ज़मीन में फसाद कर फैलाते हुए न फिरो। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को नसीहतें की कि नाप तौल में कमी न करो, नाप तौल में कमी से तुम अल्लाह ताला के अज़ाब में मुबतला हो जाओगे, और लोगों के साथ जो है वो अच्छा बर्ताव करो, लोगों के हकूक को ज़ाया ना करो, और अब्दो इंसाफ के साथ नाप तौल किया करो, और ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला का अज़ाब तुम्हें घेर ले और ज़मीन में फसाद होने को, या कि नाप तौल में कमी और इस लोगों के हकूक को ज़ाया करना हकीकत में ज़मीन में फसाद करने के बराबर है, कि मुफसिदीन में से तुम हो जाओगे। फसाद फैलाने, ज़मीन में फसाद फैलाने वाले कौन हैं, ज़ालिमीन हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने जालिमों के लिए अजाब, शदीद अजाब तैयार कर रखा है। तो मुफसिदीन यानी ज़मीन में फसाद फैलाने वाले अल्लाह ताला के गज़ब का शिकार होते हैं, और वो जालिमीन में से, और अल्लाह ताला ने दर्दनाक अज़ाब करा।